अपने परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए नवरात्रों के उपलक्ष्य में खास भक्ति लहर पाठ 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 7 बजे से 8 बजे तक देखें सिर्फ आत्मा चैनल पर। साथ हूँ करूँ यही हर धाम।
जीवन दाता, मैं चाहे तो लाख उम्र
रोशनी देवे गड़ गड़ में जो बसता है, वही रात दिन सब करता है। सदा प्रार्थना यही करो ईश्वर दीन दयाल। रक्षक पालक तू मेरा, जगत पिता जगपाल। आकाश पाताल धरती में जो है, सबको बनाने वाला वह मिट जाती। जो हृदय में उसे ध्याता, उस पूरन को वह पा जाता। जो सुख दुख में ईश्वर प्रयासी, उसकी कटती कई मुख पासी। एक सर्वशक्तिमान वही है, दया करता दयावान वही है। प्रभु परमेश्वर उसको जानो, उसको अपना सब कुछ मानो। पाप कपट उस पास न आवे, जो ईश्वर को पल पल धावे। संकट उसके सब मिट जावे, राम नाम जो मन में बसावे। राम नाम को मन में बसावे, पार ब्रह्म परमेश्वर को पाके। जन्म मरण के कर्म कटाके, भक्ति सुख शांति पाके। सा
बार
संसार को समझाते आए हैं। संतों का धरती पर आना ही इस प्रयोजन से हुआ है। ये जो संसार इतना दुखों से भरा है, इन्हीं दुखों को तो मिटाने आए धरती पर, क्या लेने आए, क्या दे सकते हैं हम उन्हें? वो तो अपने परम पिता की गोद में बैठे हैं। केवल यही कारण संतों का धरती पर परमात्मा का भेजना, यही तो कारण। ये जो दुनिया में जीव इतना दुख भरा है जीवन में, इसी से निकालने आए हैं। कैसे कैसे मिटेगा इस धरती का दुख? केवल यही उपाय है जो संतों ने बार बार बताया, गाया, सुनाया, समझाया। पाप कर्म तू छोड़ रे मानव, पाप कर्म तू छोड़ रे। कितने जन्मों से लगा है ये पाप कर्मों को करने में। यदि सुख पाना चाहता है तो यही उपाय, प्रभु से नाता जोड़ प्यारे, पाप कर्म तू छोड़। अब इतने जन्मों से ये जो इंद्रियां हैं हमारी, जिन पाप वासनाओं में इन्हें रस आता है, कई तरह की वासनाएं इन्हें आकर्षित करती हैं। एक जन्म का ये रस नहीं है, जन्मों जन्मों से ये इंद्रियां इसी में लिप्त रही हैं। रूप की वासना, यश की, कैसे कैसे ये मानव को लालायित करती रही हैं। तो कैसे छूटेगा ये? ये तो तभी छूटेगा जब कुछ ऐसा मिले जो इस रस से बहुत ऊपर हो, तभी तो इंद्रियां इन्हें छोड़कर उसकी ओर मुड़ेंगी। तो संत कहते हैं, हे मानव, प्रभु से नाता जोड़ ले। जो उसके नाम का रस तू लेने लगेगा, जो उसकी भक्ति का अमृत पान तू करने लगेगा, फिर ये सब वासनाएं स्वतः ही छूट जाएंगी। फिर छोड़नी भी नहीं पड़ती, छूट जाती है। उसके मार्ग का आनंद मिलने लगा,
यही उपाय है। दुख सुख का सच्चा ये साथी, काम ना आए गोती नाती। जन्मों से जीवन से मृत्यु तक, जिन्हें तू अपना मान रहा है, मानता ही चला आया है, ये तेरे केवल कुछ समय के साथी हैं। शास्त्र कहते हैं ये तेरे सच्चे साथी नहीं हैं, हैं साथी तो हैं पर केवल कुछ समय तक ही तेरा साथ दे पाएंगे। लेकिन जो जन्मों जन्मों का साथी, जो तेरे हर सुख दुख का साथी, जो तुझे कभी नहीं छोड़ता, वो केवल तेरे कर्म और उन कर्मों का फल देने वाला तेरा परमात्मा। केवल दो ही सच्चे साथी हर जीव के, उसके किए कर्म और उसका परमात्मा। विषयों से मुख मोड़ प्यारे, प्रभु से नाता जोड़ प्यारे। तू अपने उसी साथी की ओर क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं जाता? सिमरन ध्यान तू मन में बसा ले, क्या साधन है तेरे उस मार्ग पर जाने के? केवल सिमरन और ध्यान, दो साधन। आत्म ज्योति तन मन में जगा ले, सिमरन करते करते जब तू ध्यान में उतर जाएगा, तभी तेरे अंदर की आत्म ज्योति जगती है। जीवन है अनमोल प्यारे, मत व्यर्थ गवा इसको, बहुत अनमोल है। ये जो संसारी धन संपदा है तेरे पास, हीरे मोती है तेरे पास, कितना संभालते हैं उसको हम, कितने कई तरह के ताले लगाकर, कितनी सावधानी से उन्हें संभाल के रखा है। एक ताले में बंद, दूसरे में बंद, कितने ताले लगाए कि बहुत कीमती सामान है मेरा, और जो सबसे अनमोल सामान है, जो सबसे अनमोल वस्तु है, ये जीवन की सांसें, उन्हें संभालने की कोई चिंता नहीं पड़ी। यूं ही जैसे हाथ से रेत फिसल जाती है, ऐसे ही ये जीवन फिसलता चला जा रहा है। कब चिंता करेगा जो सबसे अनमोल वस्तु परमात्मा ने तुझे देकर भेजा था, वो तो यूं ही गवाने में लगा है। कब ये शुभ कर्मों के हीरे मोती
संचित करेगा। ये हीरे मोती तो यही छूट जाएंगे। नहीं समझ पाया मानव, रोज जाते देख रहे हैं इस संसार के लोगों को, देख रहे हैं सब अपना बैंक बैलेंस, अपने तिजोरी खजाने जो भरे थे सब यही छोड़ गए। इतना समय भी नहीं मिल पाया कितनों को तो, कि अपने खजाने का पता भी किसी को बता दें, इतना भी समय नहीं मिला। सब यूं ही व्यर्थ में ही पड़ा रह जाता है। कोई समय बताकर मृत्यु नहीं आती, नहीं पता कब ये छोड़कर जाना है, कब तक इसका भोग करना है। बार बार जीवन नहीं मिलता, प्रभु नाम का फूल नहीं खिलता, इतना भी नहीं जानते कि ये जो अनमोल जन्म मिला है, ये मानव तन मिला है, ये कर्म योनि मिली है, ये भी हम में से नहीं पता किसी को कि अगली बार ये योनि मिलेगी भी या नहीं। प्रभु नाम का फूल नहीं खिलता, सबसे बड़ी बात जो ये मानव तन मिल भी गया, कितने जन्मों से जो मिला भी है, तो भी हर जन्म में ये प्रभु नाम का फूल नहीं खिलता। हे भाइयों, पहले तो ये मानव जन्म अनमोल मिला, उस पर उस परमात्मा की इतनी कृपा हम पर कि ये निरोग काया मिली, फिर उस पर भी इस जन्म में सतगुरु का मिलाप हुआ। सतगुरु ने हमें अपनाया, अपनी शरण में बिठाया, फिर हमारे मस्तक पर वो राम नाम की लगन, उसकी ज्योति जगाई, उस प्रभु के नाम की प्रेरणा देकर इस शुभ मार्ग पर चला। क्या हम इतने अबोध हैं, इतने ना समझ हैं, इतने मंदभागी हैं, इतना सब मिलने पर अभी भी उस प्रभु के नाम का सिमरन ना करें, अभी भी उस संसारी धन की चिंता है, इस धन को जोड़ने की चिंता ना करें। राम नाम धन जोड़ प्यारे, उस परमात्मा का शुक्र करते जाएं जो उसने
ये जीवन दिया और उसमें भी प्रभु के नाम का फूल खिला। अंतकाल ये होवे सहाई जिसने नाम की महिमा गाई। रिश्ता सतगुरु चरण से जोड़ प्यारे, प्रभु से नाता जोड़ प्यारे। सभी साधक जितने हम बैठे हैं हाथ जोड़ कर उस प्रभु का शुक्र, सतगुरु का शुक्र करें जो ये अपना मार्ग दिखाया, जो हमें प्रभु नाम के शांति आनंद की ये जो पावन गंगा बहती है, सत्संग में, ध्यान में, सिमरन में, इसमें स्नान कराया। आज हम उन विरले जनों में, विरले से विरले जनों में हमें लाभ बिठाया, जो इस संसार की अशांति से कहीं दूर उस परमात्मा के नाम का रसपान करते हैं। हे परमात्मा, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। हे जगत के राम, हे कृपा के धाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। जगत के राम कृपा के धाम, जगत के राम कृपा के धाम, करूं प्रणाम मैं बारंबार, करूं प्रणाम मैं बारंबार, करूं प्रणाम मैं बारंबार, करूं प्रणाम मैं बारंबार। जगत के राम कृपा के धाम, जगत के जगत के राम कृपा के।
ममता के जाल से बनु न जन का दीन, सदा खेलूं तेरी गोद में ये ममता मई माँ, बालक तुझे पुकारता पकड़ो अब मेरी बाँह, सदा रहूं तुझ में रमा जगत पिता जगपाल, करता हूँ यही प्रार्थना सुनो मेरे दीन दयाल, सुनो मेरे दीन दयाल, सुनो मेरे दीन दयाल।
परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए नवरात्रों के उपलक्ष में खास भक्ति लहर पाठ 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 7 बजे से 8 बजे तक देखें सिर्फ आत्मा चैनल पर।